नमस्ते फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दिस इज सी डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, योर फ्रेंड, योर वेस्ट विशर एंड ऑलवेज हेल्पिंग हैंड टू गेट योर डिग्री, दैट इज सीए। फ्रेंड्स, टुडे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर सीए इंटर एडवांस अकाउंट, क्योंकि सबके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए, सीए इंटर अकाउंट बन के भी डाल दिए है, एफ आर न्यू सिलेबस, एफ आर ओल्ड सिलेबस। नाउ एडवांस अकाउंट जो कि सीए इंटर वालों के लिए भी है और सीए आईपीसीसी वालों के लिए भी है। फ्रेंड्स, सीए आईपीसीसी वालों के लिए एक बार मैं एडवांस में ही आपको क्लियर बता देता हूं कि आप लोगों को चैप्टर सेम लेने हैं, क्योंकि आपके कुछ चैप्टर ग्रुप वन में हैं इंटर के जो ग्रुप टू में हैं, और कुछ चैप्टर ग्रुप टू में हैं इंटर के जो आपके ग्रुप वन में हैं। तो प्लीज आप चैप्टर वो ले लीजिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज नथिंग बट ऑल कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। ओके, सो आप उन क्वेश्चन को कर लीजिए, और प्लस ये क्वेश्चन जो है मैंने सीए इंटर के मॉड्यूल से लिए हैं, इसके लिए आपको आपके मॉड्यूल में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढने पड़ेंगे, बट मिल जाएंगे, बराबर। इसके अलावा अगर आपको मेरी बुक चाहिए तो मेरी बुक भी अवेलेबल है, वो बुक मैं क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस नंबर, मेरे पेज नंबर मेरी बुक के भी दे रहा हूँ, तो वो बुक भी आपको मिल सकती है। आप चाहो तो मनोज के एफआर टीम से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी जैसा चाहिए वो बुक भी आपको मिल सकती है। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलवेज डिस्क्लेमर दैट दीज आर माई व्यूज, माई एनालिसिस, जो मैं आईसीआई के मटेरियल से करता हूँ, जितने आपके एग्जाम हो चुके हैं उसके बेस पर और आगे होने वाले हैं उसके बेस पर। सो ये मेरा व्यू है, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन करने चाहिए। ये क्वेश्चन आप एग्जाम टाइम पे स्पेशली हाथ से लगा लीजिए, या आप बोलो तो एक क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो सारे कॉन्सेप्ट आपने कवर कर लिए हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले गए हैं। ठीक है, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट सारे कवर हो रहे हैं, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन इससे बाहर से आ जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सारे कवर हो ही गए ना। और सीए में वही सिस्टम होता है, 80% तो कॉमन होता है, तो वो 20% जो अलग है वो भी यहाँ कवर कर लिया है। सो 80% कॉमन हो गया, वही तो मनोज के एफआर 80-20 कॉन्सेप्ट है, राइट। सो आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने से पहले याद रखना है कि आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको सारा सिलेबस को एक एक क्वेश्चन ऐसा हो जाए जिससे सब कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाए, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए। एंड फ्रेंड्स, 90% इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में से एग्जाम में आपके आएंगे, ऐसा मेरा आश्वासन है। ठीक है, सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। आप सबको बता दूं, मैंने इसमें चार कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम सीरियल नंबर ऑफ चैप्टर, जो आपके मॉड्यूल में दिया है उसी सीक्वेंस में रखा है मैंने, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ते टाइम पर सीक्वेंस कैसे करनी है उसकी मैं आपको छोटा सा एक आइडिया दूंगा, तो प्लीज आप वो सीक्वेंस फॉलो करना, क्योंकि इसके अंदर मैंने एएस जो है वो 29 नीचे ले लिया, बट एक्चुअली वो एएस 4-5 के साथ पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो मैं सीक्वेंस भी आपको बता दूंगा, सो वो सीक्वेंस आपको फॉलो करनी है। और जब आप अगर मेरे वीडियो लेक्चर, मेरे लेक्चर लेते हो, तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं कि हमको कौन से सीक्वेंस से जानना चाहिए, क्योंकि ग्रुप वन ग्रुप टू दोनों का ही कनेक्टिविटी होती है। सो वो सिस्टम आप फॉलो करिए प्लीज, ऐसा मैं आपको एडवांस में बता देता हूं। सेकंड कॉलम है चैप्टर नेम। चैप्टर नेम मीन्स जो भी आपके आईसीआई के मॉड्यूल में दिया हुआ है उस चैप्टर नेम के हिसाब से एएस का भी है और जो भी अदर चैप्टर है, 10 के 10 चैप्टर सारे के सारे नाम। फिर मैंने नेक्स्ट कॉलम बनाया क्वेश्चन फ्रॉम मनोज का एफआर स्टडी मटेरियल। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो क्वेश्चन बुक मैंने बनाई है उसके अंदर मैंने इस बार सेम के सेम क्वेश्चन रखे हैं, माने क्वेश्चन नंबर भी चेंज नहीं किया। अगर इलस्ट्रेशन आपके मॉड्यूल में है तो मैंने यहाँ पे भी इलस्ट्रेशन रखा है, और अगर आपके मॉड्यूल में वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है या टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन है तो उसका नाम मैंने क्वेश्चन डाल दिया है। तो आपको समझाने के लिए इलस्ट्रेशन मेरी बुक का भी और मॉड्यूल का भी सेम रहने वाला है, लेकिन पेज नंबर मैंने मेरी बुक के डाले हैं और मॉड्यूल के भी डाले हैं, बट स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन का पेज नंबर, जिससे आपको एक बार आइडिया मिल गया इस पेज पर है, आगे की सीक्वेंस तो आप देख ही सकते हो फ्रेंड्स, राइट। सो अगर आपका मेरी बुक नहीं है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईसीआई के मॉड्यूल में जो पेज नंबर स्टार्ट होगा मैंने सबका हर एक का स्टार्ट पेज नंबर डाला हुआ है, ठीक है। सो एक बार रिपीट कर देता हूं, इलस्ट्रेशन मेरी बुक में भी सेम है, मॉड्यूल में भी इलस्ट्रेशन नंबर सेम है, क्योंकि मैंने इस बार मेरी बुक का इलस्ट्रेशन ही रखा है नाम, यानी क्वेश्चन चेंज नहीं किया, क्वेश्चन नंबर भी सेम रखा है। इलस्ट्रेशन तो इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन टेस्ट नॉलेज तो टेस्ट नॉलेज या प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले, ठीक है। सो इलस्ट्रेशन मतलब इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन अकेला लिखा हो तो उसका मतलब होगा टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। प्लस यहां पे मैंने स्लैश लगाया बीच बीच में, वो स्लैश का मतलब है पेज नंबर। सो पेज नंबर इस पर है, तो स्लैश आपको देखे तो पेज नंबर है, ऐसा मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन भी कर दिया है, आप देख सकते हो नोट में, ये वन नोट स्लैश मीन्स पेज नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नोट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन फ्रॉम टेस्ट नॉलेज और प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। लास्ट कॉलम जो है दैट इज फॉर आईसीआई मटेरियल का क्वेश्चन नंबर या आईसीआई मटेरियल का पेज नंबर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर तो मेरे बुक का भी सेम है और आईसीआई के मटेरियल का भी सेम है, राइट। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट मी स्टार्ट
बिफोर इट मैं एक बार और बता देता हूं, ये सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स के लिए नवंबर 2020 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। आपको अगर ये सीट चाहिए तो वो सीट भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, जो कि मेरी वेबसाइट www.manojkfr.com पे अवेलेबल है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सबसे पहले चैप्टर 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके अंदर सबको विजिबल है फ्रेंड्स, ओके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर सबसे पहले AS 4, इसके अंदर मैंने लेजिस्लेशन 3-7 लिए हुए हैं, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, ओके। सो 3-7 जो कि मेरी बुक में पेज नंबर 2 पर है और मॉड्यूल में पेज नंबर 1.8 पर है, ठीक है। तो मॉड्यूल आपका है तो 1.8 पेज नंबर से वो चालू होगा क्वेश्चन 3, आगे आप 4, 5, 6, 7 आगे जा सकते हो, राइट। फिर AS 5, इसके अंदर इलस्ट्रेशन 2 और 4 लिए हैं, जो कि मेरी बुक में पेज नंबर 3 पर अवेलेबल है, ठीक है। मॉड्यूल में पेज नंबर 1.16 पे अवेलेबल है। इसके बाद इमीडिएटली आपको AS 29 पढ़ना है, जो कि मैंने लास्ट में लिया है, क्योंकि ये AS 29 AS 4 और 5 से कनेक्शन में है। तो AS 29 के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं, दिख रहा है, AS 29 के अंदर लेजिस्लेशन 1 ही करना है, जो कि पेज नंबर 14 पर मेरी बुक में दिया हुआ है और आपके मॉड्यूल में 1.148 पे दिया हुआ है, मॉड्यूल में 1.148 पेज नंबर पर है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, AS 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसका क्वेश्चन 1 और 2 मेरी बुक में पेज नंबर 4 पर है, मॉड्यूल में 1.28 पेज नंबर पर है। नेक्स्ट AS 9 रेवेन्यू, क्वेश्चन 1, 2, 3 पेज नंबर 4 पर है मेरी बुक में, जो कि मॉड्यूल में 1.34 पेज नंबर पे है। नेक्स्ट AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, क्वेश्चन 1 पेज नंबर 6 मेरी बुक में, जो कि मॉड्यूल में 1.58 पेज पे दिया हुआ है। फिर AS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, इसके लिए क्वेश्चन 1 और 2 मेरी बुक में पेज नंबर 8 है और मॉड्यूल में पेज नंबर 1.66, राइट। नाउ AS 19 लीच, मेरे बुक में 3 क्वेश्चन करने हैं, 1, 2, 3 इलस्ट्रेशन के, पेज नंबर 9 पे अवेलेबल है, जो कि मॉड्यूल में 1.81 पे अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट AS 20 EPS, क्वेश्चन 4 और 6 यानी कि 4, 5, 6 तीनों पेज नंबर 11 पे मेरी बुक में अवेलेबल है, मॉड्यूल में 1.99 पे अवेलेबल है। AS 22 अकाउंटिंग फ्रॉम टैक्स ऑन इनकम, क्वेश्चन 1, 2 पेज नंबर 12, क्वेश्चन 4 और 6 पेज नंबर 13 एंड मॉड्यूल में 1.111, राइट। फिर AS 24 का कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको इवन इलस्ट्रेशन दिया भी नहीं है, खाली एक थ्योरी ऊपर से देखना है तो देख लेना। नाउ AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स का क्वेश्चन 1, 2, 3 जो कि मेरी बुक में क्वेश्चन पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है, स्लैश के बाद जो है वो पेज नंबर होता है, और मॉड्यूल में 1.136 पे दिया हुआ है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, टेस्ट योर नॉलेज, यानी कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको सारे के सारे लगाने हैं, 1, 2, 8 उनके अंदर सारे AS टुगेदर दिए हुए हैं, तो आप जब ये सारे कर लो उसके बाद में एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, सो सारे कॉन्सेप्ट के एक साथ इकट्ठे समा जाएंगे, राइट। क्योंकि अभी आप एक एक AS के कर रहे हो, अभी ऑल मर्ज करके करोगे, तो 1, 2, 8 जो कि मेरी बुक में पेज नंबर 15 पे दिए हुए हैं और आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 1.152 पे दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर 1। नाउ चैप्टर 2 पार्टनरशिप, जिसके अंदर 2 यूनिट हैं, यूनिट 1 डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसके अंदर मैंने लिए हैं इलस्ट्रेशन 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10। आई रिपीट, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 आप लिखते भी जाइए, जैसे अगर ये शीट आपको भूलो, आपको प्रॉब्लम आए तो आप एटलीस्ट लिख के तो रखो, जो कि मेरी बुक में पेज नंबर 19 पर अवेलेबल है, 19। एंड टेस्ट और नॉलेज, जो कि बाद में दिए रहते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन 4 लिया है, जो कि मेरी बुक में पेज नंबर 29 पे अवेलेबल है, ठीक है। सेम आपको मॉड्यूल में मिलेगा 2.16 पेज नंबर पे और 2.55 पेज नंबर पे। 2.16 से आपके रजिस्ट्रेशन चालू होंगे, जो आपको रजिस्ट्रेशन 2 के साथ करना है, और 2.55 से टेस्ट और नॉलेज यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन चालू होंगे, जिसमें से आपको क्वेश्चन 4 करना है, ओके। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज अमालगमेशन कन्वर्जन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसके अंदर क्वेश्चन 1, 4, 7, 8 टेस्ट नॉलेज नहीं, इलस्ट्रेशन वाले, राइट। सो इलस्ट्रेशन 1, 4, 7, 8 जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए, राइट, पेज नंबर 31 मेरी बुक में, और टेस्ट नॉलेज का क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पेज नंबर 44 पे मेरी बुक में अवेलेबल है, राइट। और ये मॉड्यूल में आपको 2.67 पेज पे मिलेंगे, उसके आगे आप जाते जाइए आपको बाकी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, बेसिकली मैंने एक कंपनी अकाउंट लिया है, तो कंपनी अकाउंट के अंदर मैंने ये फर्दर चैप्टर बना दिए हैं, इसका नाम होना चाहिए कंपनी अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, ओनली कंपनी अकाउंट, ठीक है। सो कंपनी अकाउंट के अंदर मैंने कुछ जो टॉपिक आपको दिए थे अलग से वो लिए हैं। तो कंपनी अकाउंट में कौन कौन से टॉपिक हैं, अकाउंटिंग फ्रॉम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी कि ESOP, उसके लिए इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेज नंबर 45 पे अवेलेबल है, 1, 3, 2 नहीं है,
1, 3, 4, 5, 6 पेज नंबर 45 पे मेरी बुक के अंदर, और क्वेश्चन 4 टेस्ट ऑफ नॉलेज का जो कि 48 मेरी बुक में अवेलेबल है, और जो मॉड्यूल के अंदर आपको 3.8 से चालू होगा आगे आप देख सकते हैं, ठीक है। से नेक्स्ट बायबैक, इसके लिए इलस्ट्रेशन 2, 4, 5 जो कि पेज नंबर 52 पे अवेलेबल है मेरी बुक के अंदर, एंड क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टेस्ट ऑफ नॉलेज जो कि 56 पेज पर अवेलेबल है, मॉड्यूल में आपको 4.1 से इसके आंसर मिलना चालू हो जाएंगे, ठीक है। सो 4.1 से आप देख सकते हो बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, राइट। आई थिंक ये 10 होना चाहिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। यस फ्रेंड्स, वो 4.10 ही है, इसको 4.10 कर लीजिए, वो जीरो उसका कट हो गया है, ओके। सो 4.10 पे आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे 4, 5 और फिर टेस्ट ऑफ नॉलेज का क्वेश्चन 1 जो कि मेरी बुक में पेज नंबर 56 पे दिया हुआ है, राइट। और मेरी बुक भी आपको मैं दिखा दूंगा जिससे आपको एक मेरी बुक का आइडिया, क्योंकि मेरी बुक नथिंग बट सेम क्वेश्चन जो मैंने ICI में मॉड्यूल में दिए हुए उनको कॉपी पेस्ट भी नहीं बल्कि स्क्रीनशॉट लिया है, राइट। सो वो सेम के सेम नंबर है, सेम के सेम क्वेश्चन है, वो आपको भी दिखा दूंगा एक बार मैं, एक बार खत्म कर लेते हैं। फिर अमालगमेशन, ये भी मैंने कंपनी अकाउंट के अंदर लिया है, क्योंकि जब मैं कंपनी अकाउंट टॉपिक बनवाता हूँ उसके अंदर अराउंड 15 टॉपिक लेता हूँ, उसमें से कुछ आपके ग्रुप 1 में हो गए हैं, कुछ ग्रुप 2 में हो गए हैं, बट एंड में तो दोनों ग्रुप ही देने होते हैं, तो वो साथ में हो जाते हैं कनेक्शन के साथ में, राइट। सो मैंने कंपनी अकाउंट यहाँ पे हेडिंग बना के वही किया है, अमालगमेशन ऑफ कंपनी। इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है, इसको स्टार मार्क करके रखना है, अमालगमेशन ऑफ कंपनी पक्का आएगा एक क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 5, 8, 9, 10 ये 4 खाली कर लेना, आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। फिर पेज नंबर 62 पे दिए हुए हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ टेस्ट नॉलेज जो कि पेज नंबर 70 पे दिया हुआ है, मॉड्यूल में आपको 5.14 से वो सारे क्वेश्चन मिलना चालू हो जाएंगे। नाउ अकाउंटिंग फ्रॉम रिकंस्ट्रक्शन, इसके क्वेश्चन 3, 5, 6, 3, 5, 8 इलस्ट्रेशन 3, 5, 8 जो कि पेज नंबर 74 पे मेरी बुक में दिया हुआ है, और क्वेश्चन 1 ऑफ टेस्ट नॉलेज जो कि 81 पेज नंबर पे मेरी बुक में दिया हुआ है, जो कि आपको मॉड्यूल में 6.11 से चालू होंगे। नेक्स्ट चैप्टर 7 अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में इलस्ट्रेशन 1, 5, 7, 8 4 पेज नंबर 86 पे दिए हुए हैं, और टेस्ट ऑफ नॉलेज का क्वेश्चन 1 और 3 पेज नंबर 93 पे दिया हुआ है, जो कि मॉड्यूल में 7.16 पेज नंबर से आपको मिलेंगे, ओके। फिर आता है बैंकिंग कंपनी, इसके अंदर बहुत सारी यूनिट हैं, इसलिए मैंने ट्राई किया है कि हर एक यूनिट में से सम ले लें, स्टार्टिंग के 2 यूनिट में कोई भी सम नहीं है, थर्ड यूनिट में एक सम दिया है, तो मैंने जो मॉड्यूल का पेज नंबर लिया है वो थर्ड यूनिट से लिया है। सो आगे आप जाते जाइए तो आगे यूनिट का आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, सेम इलस्ट्रेशन रहेंगे, राइट। सो इसमें मेरी बुक में जो मैंने बताया है वो है क्वेश्चन 1 पेज नंबर 99 पे, जो कि यूनिट 3 से चालू हो रहा है, राइट, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी यूनिट हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 1 अगेन 110 पेज पे, 101 पेज पे चालू हुआ है। फिर क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 यानी कि इलस्ट्रेशन 2, 3, 4, 5 जो कि पेज नंबर 102 पे दिए हुए हैं मेरी बुक के अंदर। फिर क्वेश्चन 1 और 2 जो कि पेज नंबर 104 पे मेरी बुक में दिए हुए हैं। फिर क्वेश्चन 1, 2, 3 पेज नंबर 108 पे मेरी बुक में दिए हुए हैं। और लास्ट में टेस्ट ऑफ नॉलेज के क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 और 6 ये मिक्स दिए हैं सारे ऑल यूनिट के टुगेदर, जैसे कि आपको पार्टनरशिप में दिए थे, राइट, पार्टनरशिप नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो वैसे यहाँ पे दिए हुए हैं सारे यूनिट के टुगेदर क्वेश्चन, तो 1 और 6 क्वेश्चन वो आपको करने, जो कि मेरी बुक में 113 पेज नंबर पर है। मॉड्यूल में ये चालू हो रहा है 8.46 से, आगे के आप देखते जाइए। जैसे मेरी बुक में इलस्ट्रेशन 1 मतलब यूनिट 3 का 1 हो गया, फिर 1.101 पे वापस आया तो यूनिट 4 का आ गया क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट अगेन जो पेज नंबर आया वो यूनिट 5 का आ गया। सो ऐसे करके आपको यूनिट वाइज मिल जाएगा, मॉड्यूल में 8.46 के साथ चालू हो रहा है, ठीक है। फिर आता है नॉन बैंकिंग NBFC, इसके अंदर क्वेश्चन 1, 2, 3 पेज नंबर 117 पे इलस्ट्रेशन, फिर टेस्ट ऑफ नॉलेज का क्वेश्चन 1 और 2 पेज नंबर 119 पे, जो कि मॉड्यूल में चालू हो रहा है 9.39 से। सो 9.39 से आप आगे बढ़ सकते हो, राइट, 9.39 पे आपको क्वेश्चन 1 मिलेगा इलस्ट्रेशन वाला। फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट CFS, हाँ मोस्टली बच्चे इसको बोलता है कि सर इसको ऑप्शन में छोड़ देंगे, मैंने बोला है नो, सबसे पहला क्वेश्चन इसी को करना है, क्योंकि CA फाइनल के अंदर फ्रेंड्स ये भर भर के आने वाला है, इंडेक्स के हिसाब से आएगा, इसलिए अभी बेसिक सीख के जाओ नहीं तो बाद में दिक्कत आ जाएगी। सो इसके लिए डोंट वरी, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो इसमें आप खाली मेरे को 5 घंटे दे देना, 5 आवर्स आप जस्ट मेरे सिस्टम के अप्लाई कर देना, आप CFS का सम सबसे पहले सॉल्व करोगे एग्जाम, ये मेरी गारंटी है, राइट। सो डोंट वरी, डोंट फेयर विद द CFS, मनोज का FR जिंदाबाद, आप उसको फॉलो करिए, CFS आपको हलवा लगेगा, राइट। सो CFS के अंदर फ्रेंड्स क्वेश्चन 1, 2, 8, 9 यानी इलस्ट्रेशन 1, 2 और 8, 9 जो कि पेज नंबर 121 पे मेरी बुक में दिया हुआ है, और टेस्ट नॉलेज का क्वेश्चन 1, 2, 3 यानी कि 1, 2 और 3 जो कि पेज नंबर 125 पे मेरी बुक में दिया हुआ है, जो कि मॉड्यूल में 10.2 से चालू होते हैं, आगे के आप देख सकते हो, राइट। सो नाउ आई थिंक ये भी मॉड्यूल में 10.2 नहीं होगा, 10.20 होगा, इसको भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक जीरो का मिस्टेक हो सकता है। यस फ्रेंड्स 10.20 ही है ये, मैंने चेक किया अभी, सो प्लीज जीरो का ध्यान रखना, तो 10.20 है,
राइट। सो 10.3 वजह से आपको इसके भी इलस्ट्रेशन मिलना चालू हो जाएंगे, जो कि इलस्ट्रेशन 1 आपको करना है, फिर 2, फिर 8, फिर 9 और लास्ट में टेस्ट नॉलेज को तीनों क्वेश्चन 1, 2, 3, लेकिन ऑप्शन में नहीं छोड़ना है इसको, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल। अब एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज जो आपकी आरटीपी आई हुई है फ्रेंड्स नवंबर 2020 की, आप ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना तो इंडायरेक्टली आपकी नवंबर 2020 की आरटीपी भी पूरी हो गई है। लेकिन वो चेक करने के लिए नवंबर 2020 की आरटीपी आप एक बार बिना देखे लगा देना, आप समझे, मतलब सॉल्यूशन देखे बिना डायरेक्ट सॉल्यूशन करना, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किए वो सारा सिलेबस आपने रिवाइज कर दिया। अब रिवाइज होने के बाद रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी, तो रिवीजन तो टेस्ट तो होना ही चाहिए रिवीजन का। सो इसके लिए इस सारे सिलेबस होने के बाद नवंबर 2020 की आरटीपी आप प्लीज एक बार हाथ से लगा लेना, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स मेरी बुक देख लीजिए, एक बार आपको मैं बुक दिखा देता हूं। ये मेरी बुक है, सेम के सेम मॉड्यूल का मैंने स्क्रीनशॉट लेके लिया हुआ है। इसके अंदर आपको खाली क्वेश्चन क्वेश्चन दिखेंगे, ये क्वेश्चन बुक है बेसिकली। सॉल्यूशन बुक में एग्जाम आपके लेक्चर के अंदर ही मैं लिखाता हूँ, बट उसकी भी कॉपी रहती है, बट ये क्वेश्चन बुक है, राइट। सो जैसे यहाँ पर आप देखिए तो ये सेम के सेम क्वेश्चन मैंने कॉपी पेस्ट करके, इलस्ट्रेशन है तो इलस्ट्रेशन लिखा है, और अगर टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन जैसे ये पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के चल रहे हैं तो पहले इलस्ट्रेशन आते जाएंगे, और जब सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म हो जाएंगे तो लास्ट में टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, चैप्टर 2 से पहले आएंगे वो। सो आपको क्या बुक का भी आइडिया मिल जाएगा, मेरी ये बुक भी आपको अवेलेबल है, आप टीम से बात कर लीजिए आपको बुक भी मिल जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बुक है और इसका सोल्यूशन बुक होता है जो बच्चों को मैं क्लास में करवाता हूँ, क्योंकि सोल्यूशन जो होते हैं वो आईसीआई के अच्छे नहीं होते हैं, सोल्यूशन मनोज के एफआर के होते हैं, क्वेश्चन आईसीआई के बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाता, मैं खाली सोल्यूशन में दिमाग लगाता हूँ। ये देखिए पार्टनर 2 से स्टार्ट से पहले ये टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन दिए रहते हैं, जो कि आपके मॉड्यूल में लास्ट में दिए रहते हैं, तो ये थोड़े हाईलाइट भी होते हैं, और यहाँ पर खाली क्वेश्चन नंबर लिखा होता है, आप देख सकते हो यहाँ इलस्ट्रेशन नहीं लिखा है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन 1, 2, 3 ऐसे लिखा है, वहाँ इलस्ट्रेशन लिखे थे, यहाँ क्वेश्चन, तो जहाँ क्वेश्चन मेंशन है उसका मतलब ये टेस्ट नॉलेज वाले क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और जहाँ इलस्ट्रेशन लिखा है वो ऊपर इलस्ट्रेशन जो दिए, इसलिए मैंने नाम सेम रखा है, इलस्ट्रेशन है तो इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन नंबर है तो क्वेश्चन नंबर। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज माई बुक एंड दीज आर योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज डू दीज, बिकॉज अभी टाइम ऐसा ज्यादा कम नहीं है, आपको लग रहा है कि बहुत टाइम कम है, नो, ये आप क्वेश्चन कर लोगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, एंड विथ इन 7 डेज, क्योंकि अभी मैंने एक एफआर 7 डेज चैलेंज भी निकाला है, उसमें मैं आपके सारे 7 डेज के अंदर पूरा अकाउंट्स कंप्लीट करने वाला हूं, कि वी नेवर लेट टू लेट। सो इसके लिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से हाथ से लगाइए, और कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मनोज के एफआर आपके साथ में ऑलवेज अवेलेबल है। ओके फ्रेंड्स, प्लीज लाइक द वीडियो, एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम, बाय बाय।